हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2076 के आगमन पर संस्कार भारती द्वारा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्कार भारती की महानगर अध्यक्ष रीता श्रीवास्तव ने बताया। हिंदू नववर्ष उत्सव की शुरुआत 4 अप्रैल को शाम 5:30 बजे चेतना तिराहे गोलघर से शंखनाद कार्यक्रम से किया जाएगा और इस अवसर पर दीपदान भी किया जाएगा। शंखनाद कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह होंगी। नववर्ष के पूर्व संध्या पर 5 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर स्थित सरोवर में सायंकाल 5:30 बजे अर्घ देकर बीते हुए वर्ष को विदाई दी जाएगी तथा 6 अप्रैल को प्रातः 5:30 बजे जेट्टी नौका विहार में उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर नववर्ष का स्वागत किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्था की महानगर अध्यक्ष रीता श्रीवास्तव ने कहा। भारतीय नववर्ष के स्वागत के लिए हम 4 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक 3 दिवसों में 5 आयोजन कर रहे हैं। बृहद आयोजन आम जनमानस को जोड़ने के लिए और नवागत पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए 4 तारीख को शाम को 5:30 बजे से शंखनाद से कार्यक्रम का प्रारंभ होगा और 5 तारीख की शाम को डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ देंगे और उसी दिन रात में एक सांस्कृतिक आयोजन, बृहद सांस्कृतिक आयोजन विवाह संस्कार पर आधारित और यहाँ के कलाकारों के होगा और अगले दिन 6 अप्रैल को प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और उसी दिन शाम को सम्राट अशोक का मंचन यहाँ केसर लॉन में तरंग क्रॉसिंग के पास किया जाएगा।